राष्ट्रवाद के कसीदे पढ़ने वाले यदि डॉक्टर बाबा साहब की ये बात याद रखते हैं तो आज भारत विश्व का सबसे शक्तिशाली और सबसे विकसित राष्ट्र होता। बाबा साहब ने कहा था, जातियों का विनाश किए बिना भारत एक राष्ट्र नहीं बन सकता। नमस्कार दोस्तों, जय भीम, मैं सुरेश बोध आप सभी का स्वागत करता हूं। इसी दौर में यदि हमारे राजनेता जातियों के आधार पर अगर किसी को टिकट दे रहे हैं कि यहां पे इस जाति का वर्चस्व रहेगा, ये जीतेगा वो हारेगा, तो आप ये समझ लीजिए कि देश में जाति राष्ट्र विरोधी, देश में जो राष्ट्र विरोधी विचारधारा है वो जिंदा है। और जब राष्ट्र विरोधी विचारधारा जिंदा होती है तो आप सोच सकते हैं कि देश कैसे विकास कर सकता है। जाति है तो जातियों के बीच में घृणा है, जाति है तो जातिगत दंगे हैं, जाति है तो लोग आपस में लड़ते हैं, और जाति है तो नफरत फैली हुई है, और जाति है इसलिए सहारनपुर में दंगे होते हैं, जाति के कारण ही रोहित बेमुला की हत्या हो जाती है, जाति के कारण ही ऊना में कांड होता है, और इसी जाति के कारण देश के लोग प्रेम के साथ नहीं खड़े होते एक साथ। ये एक हकीकत है, एक कड़वी सच्चाई है दोस्तों। इस बात का आभास डॉक्टर बाबा साहब को बहुत पहले हो चुका था, और जो संविधान सभा की आखिरी जो सभा थी उस सभा में पूरे देश को आगाह करते हुए उन्होंने जो अपना अंतिम भाषण दिया था, वो भाषण यदि आप एक बार अपने जहन में उतार लें तो निश्चित रूप से हम अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई इस देश को संभाल सकते हैं। और इस देश में जो जाति के नाम पर लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं वो बंद हो सकते हैं, और जो धर्म के नाम पर उन्माद फैलाया जा रहा है वो भी कम हो सकता है। क्योंकि आप किसी एक विचारधारा को थोपेंगे तो घृणा उत्पन्न होगी। सबको अपने अपने धर्म को मनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन कोई किसी धर्म विशेष से घृणा ना करे, ये मेरा मत है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहां तो मेरे मुर्गे की एक टांग जो है लंबी है और तेरे मुर्गे की टांग छोटी है, इसी मुर्गे की टांग के चक्कर में बेचारे हम मुर्गे को हलाल करते रहते हैं और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां बिल्कुल जारी रहते हैं। और जब देश में 15 अगस्त आता है या 26 जनवरी आती है या कोई हम राजनीतिक दल के कार्यक्रम में जाते हैं, वहाँ हमारे नेता से लेकर कार्यकर्ता वंदे मातरम, भारत माता की जय जैसे नारे लगा लगा कर, चीख चीख कर, चिल्ला कर ये साबित करना चाहते कि हमसे बड़ा राष्ट्र भक्त कोई नहीं। बाबा साहब ने कहा था, अगर हम जातियों का विनाश नहीं करेंगे तो हम एक मजबूत राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। और यह हमें सोचना पड़ेगा, यह मानना पड़ेगा अभी हम एक राष्ट्र नहीं है, क्योंकि हजारों जातियां इस देश में और सब जातियां आपस में घृणा करती है, एक दूसरों को ऊंचा और नीचा समझती है। और इस देश में रहने वाले नागरिक अगर एक दूसरे को ऊंच और नीच घृणा की दृष्टि से देखेंगे, देश के हित में सोच सकते हैं। क्योंकि देश का विकास अगर करना है तो सबके सामूहिक योगदान से देश का विकास होगा। देश को यदि सशक्त बनाना है, देश को खुशहाल बनाना है, तो सभी वर्गों के योगदान से ही देश सफल और सशक्त हो सकता है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब ने संविधान के माध्यम से शोषित और वंचित जातियों के लिए एक विशेष अवसर प्रदान करने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व देने के लिए, नौकरियों के लिए नहीं, केवल शिक्षा के लिए नहीं, बल्कि इस देश के विकास में, इस देश की तरक्की में, इस देश की खुशहाली में हर वर्ग का योगदान हो, तब तो उसे लगेगा मैं अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए काम करता हूं। इस बात को संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे, काफी चर्चा तर्क वितर्क होने के बाद इस बात पे सहमत हुए, हाँ इन वर्गों को, लेकिन इसके पीछे हमारे संविधान निर्माताओं की यह महत्वपूर्ण काम था। राष्ट्र निर्माण कैसे करें, यह भी उसके पीछे एक लॉजिक छुपा हुआ है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। एक जाति एक धर्म के लोगों का वर्चस्व ना रहे विधानसभाओं में, लोकसभा के अंदर में या प्रशासन के अंदर में,
सभी लोग जाएं वहां पर, देश में जितने भी वर्ग हैं, देश में जितने भी लोग हैं, आखिर वे सारे लोग तो भारत के ही लोग हैं, भारत के ही तो नागरिक हैं। देश के विकास में, देश की जो नीति निर्धारण होता है उसमें शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज हम 70 साल के बाद भी डॉक्टर बाबा साहब की जो सोच थी उसको पूरा नहीं कर पाए, और अफसोस, जो बाबा साहब की मानने वाले दल हैं वे भी बाबा साहब की इस विचार को शायद भूल गए हैं कि जाति का विनाश कैसे हो, इसका कोई एजेंडा सामने नहीं लेकर आता है। अगर हम बाबा साहब के मानने वाले हैं तो जातियों का विनाश होना चाहिए। यह बात संविधान कहता है, संविधान में स्पष्ट लिखा है अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। और अस्पृश्यता क्यों है? जातियों के कारण है। अस्पृश्यता जैसी इतनी घटिया बीमारी, इतनी भयावह बीमारी जिसके कारण हत्याएं तक हो जाती है, जिसके कारण दंगे हो जाते हैं, राष्ट्रीय संपत्ति का हास होता है, राष्ट्र विरोधी गतिविधि है। दोस्तों, आज तक कोई डिमांड नहीं करता है कि अस्पृश्यता या अस्पृश्यता के कारण जो हिंसा होती है, लोगों ने तो SC ST Act को SC ST Act के खिलाफ में ही बोलते हैं। मैं तो उससे एक कदम आगे बढ़ाकर यह कहना चाहता हूं, जो भी जातिगत भावनाओं को रखते हुए हिंसा या आतंक फैलाता है उसे देशद्रोही घोषित किया जाना चाहिए। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि जातियों का विनाश कैसे हो, जाति में भेद ना हो, जाति जाति में घृणा ना हो, लेकिन ये खत्म कैसे हो? सभी को अपनी जाति पर अहम है, और जब तक ये अहम रहेगा तब तक टकराते रहेगा, टकराव बढ़ते रहेगा। यदि हमें एक राष्ट्र बनाना है, एक सक्षम राष्ट्र बनाना है जिसमें हर नागरिक एक दूसरे को प्रेम की नज़र से देखे, संदेह की नज़र से ना देखे, तो ये कब संभव होगा? जब तक हम जातियों को खत्म ना कर दें। और जाति कैसे खत्म होनी है इस पर देश की सरकारें, जिस देश में जो नीति निर्धारण करते हैं वे इस पर अभी तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूं, जो दल ये कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन दलों से मेरा एक निवेदन ये है कि आप अपने संगठन के अंदर में जो आप जिसे कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं, आपको तो मालूम होता कि हम किसे करने वाले, पहले से मालूम होना चाहिए। ये नहीं कि चुनाव के एंड टाइम में आप किसी को भी टिकट दे दें। यदि आपको चाहते हैं कि देश के अंदर में जो संवैधानिक जो अनुच्छेद हैं, संवैधानिक प्रावधान है, सामाजिक न्याय की अवधारणा है, वो लागू हो पूरी तरीके से, तो आप जिन कैंडिडेट को टिकट देने वाले हैं तो कम से कम उसके बारे में अच्छे से जांच परख होनी चाहिए। उसकी सोच कैसी है? क्या वो राष्ट्र विरोधी सोच रखता है? राष्ट्र विरोधी सोच का मतलब मेरा क्या है? जैसे कि आप, मैंने पहले ही कहा, अगर वो जातिवादी सोच रखता है वो राष्ट्र विरोधी है मेरी नजर में। ये मैं नहीं कहता, डॉक्टर बाबा साहब ने बिल्कुल तर्क और सबूत के साथ कहा था। तो जो कैंडिडेट को आप टिकट दे रहे हो, क्या उसके अंदर ऐसी भावना है? और यदि ऐसी भावना है तो आप उसे टिकट ना दें, वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, वो SC ST OBC या जनरल कैटेगरी का भी क्यों ना हो, या किसी धर्म का भी क्यों ना हो। अगर आप जिसे भी टिकट दे तो सबसे पहले उसका कैडर हो। संसद के अंदर में अगर 10 सांसद संविधान को मानने वाले और इसके हित को मानने वाले, यह समझने वाले, यदि 10 सांसद भी आपने लोकसभा के अंदर भेज दिए तो संविधान की मूल भावनाओं का हास, मूल भावना का अपमान कभी भी नहीं होगा। लेकिन बसरते हर राजनीतिक दल को यह तो प्रण करना पड़ेगा, जैसे वे समीकरण देखते हैं ना कि यहां पे इस जाति का वर्चस्व ज्यादा है, वे राष्ट्र निर्माण चाहते हैं, सही में देश का विकास चाहते हैं, तो इन दलों को अब यह मुहिम चलानी पड़ेगी। दोस्तों, मेरा विजन यह है कि देश के अंदर में हम सारे लोग एक साथ रहते हैं, हर धर्म हर जाति के लोग, तो आपस में नफरत नहीं होना चाहिए। और यदि जातिगत नफरत हम भी करेंगे, जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जातिवादी हम भी हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि
जिन वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है उन वर्गों को प्रतिनिधित्व कैसे मिले और किसी एक जाति का वर्चस्व नहीं हो। राजनीतिक दल के लोग यह बैठ के सोचे या चिंतन करें, अभी भी समय है लोकसभा चुनाव को, कि लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधानसभा हो, उसमें किसी एक जाति का वर्चस्व नहीं होना चाहिए प्रतिनिधित्व में। जो ऊंचे पद हो या जो नेतृत्व वाले पद हो उसमें किसी भी एक जाति विशेष का ज्यादा वर्चस्व नहीं होना चाहिए। को उसमें शामिल नहीं करेंगे नीति बनाने में तो कभी भी सामाजिक न्याय की जो परिभाषा है, अवधारणा है, वो पूरी नहीं हो सकती है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना है। आप देख रहे हैं वी लव बाबा साहेब। चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलिए।